नमस्कार, मैं हूं अदिति। फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति जागरूक रहें और आंख मूंद कर उन पर विश्वास ना करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती है। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोज भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इस बाढ़ में जरूरी है कि हम जिन फोटोज या वीडियोस पर संदेह है उसे फैक्ट चेक कर लें। आज ऐसे ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे और उनके पीछे का सच क्या है वो आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग अपने इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों को खड़े या फिर गुजरने की इजाजत नहीं दे रहे। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच क्या है वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरी खबर में हम वायरल तस्वीर की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में आग लग गई। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच क्या है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग अपने इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों को खड़े या फिर गुजरने नहीं दे रहे। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसा खड़ा आप? क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? खड़ा कैसा आप? ऐसे ही खड़ा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? खड़ा क्यों? खड़ा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या बात हो, क्या बदतमीजी है यार? खड़ा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सड़क पर खड़े होकर बहस करते कुछ लोगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। परेशान कर रहे हैं। बुला बुला कैसे बुलाया? बुलाओ अभी। आदरडा बुला, अभी बुला रहा हूँ, अभी बुलाता हूँ। बुला कैसे बुलाएगा? बुला बुलाओ अभी। परेशान कर रहे हैं, बताओ करवाऊँ तेरे परेशान? अभी क्या फोन क्या है? तू बुला कैसे बुलाएगा? अभी बुलाता हूँ। अपने बदमाश की बात करिए। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग अपने इलाकों में हिंदू समुदाय के लोगों को खड़े या फिर गुजरने भी नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं आ सकता क्या? तुम जो बात ही गलत कर रहे हो यार। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि जब कोई शांतिप्रिय हिंदू बाहुल इलाके में खड़ा होता है या गुजरता है तो वह बिना किसी के रोके धक्का दिए वहां से गुजर सकता है, लेकिन क्या कोई हिंदू व्यक्ति शांतिप्रिय बाहुल इलाके में बिना परेशान हुए चल सकता है? इस वीडियो को देखें। एक हिंदू बिना रोके खड़ा नहीं हो सकता, गुजर नहीं सकता। हिंदुस्तान सबका, ये तुम्हारे ऐसे लोग हैं, झगड़े होते हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। मेरे भाई आप तो मुझे अच्छे लग रहे हो, नहीं तो समझा। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग अपने इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों को खड़े या फिर गुजरने भी नहीं दे रहे। वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है ये जानना जरूरी हो गया था, तो हमने भी वायरल वीडियो को गौर से देखा और सुना। वीडियो में आ रही आवाज से ऐसा लग रहा है कि किसी दो समुदाय के लोगों के बीच बहस हो रही है। आप भी सुनिए। इलाके में हिंदू नहीं आ सकता क्या? तुम जो बात ही ऐसी गलत कर रहे हो। मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं आ सकता क्या? सुना आपने। वायरल वीडियो को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि एक खास धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के इलाके में हिंदू शख्स खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन अगर ये घटना सच होती तो फिर ये बड़ा मुद्दा होता। हर आधिकारिक मीडिया आउटलेट पे ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई भी घटना कहीं देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। तो पहला सवाल, अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो कब और कहां का है? और दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझ के सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा? आइए जानते हैं हमारी पड़ताल में क्या सच निकलकर सामने आया। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने टूल की मदद से वीडियो के कई कीफ्रेम निकाले और उन्हें गूगल रिवर्स इमेज की मदद से सर्च किया। हमें असली वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 26 जुलाई 2023 को अपलोड किया गया था। बताओ तुझे अभी तो यहाँ खड़ा क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता खड़ा मैं यहाँ पर? वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक वायरल ऑडियो स्क्रिप्टेड है और इसे सामाजिक संदेश देने के लिए और जागरूकता फैलाने के मकसद से बनाया गया है। वीडियो के आखिर में शख्स को कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इस वीडियो को सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया है।
हम लोग ये चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम का ये भेदभाव है ना, ये खत्म हो जाए। मुसलमान और हिंदू के दिलों में कितना प्यार है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं और कोई इसका मोटिव नहीं है हमारा। भगा क्यों रहा यार, भगा क्यों रहा यार। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने यूट्यूब चैनल से जुड़े स्रोतों को खंगालना शुरू किया। इस दौरान हमने पाया कि शख्स इसी तरह के स्क्रिप्टेड और सोशल एक्सपेरिमेंट के वीडियो को बनाता है। शख्स का नाम परवेज मिर्जा है। ये भाई भी मुस्लिम भाई है और हम लोग मुस्लिम इलाके में खड़े हुए, मैं खुद मुस्लिम हूँ, हिंदू बन के खड़ा हुआ हूँ। हम ये देखना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए कि अगर कोई हिंदू को कोई मुस्लिम भाई मुस्लिम इलाके में कोई अपशब्द बोलता है या कोई बदतमीजी करता है तो जो और उस इलाके में मुस्लिम लोग हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। जांच के दौरान हमें 18 अक्टूबर 2023 को अपलोड किया हुआ एक और वीडियो मिला। इस वीडियो में वो कमेंट में लोगों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा, जबकि मैं हिंदू भाई हूँ और ये सारा मुस्लिम भाइयों का इलाका है, क्या कह रहा हो भाई, ये सारा मुस्लिम इलाका है सारा। वो मुझसे ये कह रहा है कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, तो दूसरे मुस्लिम भाई आए वो इससे कह रहे हैं कि भाई चलो तुम आगे चलो भाई, कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि भाई तुम आगे जाओ। दरअसल परवेज ने वीडियो में एक हिंदू शख्स का रोल प्ले किया था। वीडियो में उन्हें जो टोकता है वो परवेज का दोस्त है। क्या हुआ? क्यों खड़ा नहीं हो सकता? क्या बात हो? इस वीडियो के जरिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस वीडियो के जरिए परवेज ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन उनके इस वीडियो को कुछ लोगों ने एडिट कर गलत तरीके से सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे ये भाई हमारे साथ ही मेरे से हसमुच कर रहे हैं, तो मुस्लिम भाई मेरी मदद करने आते हैं या नहीं, इन्हें कोई डांटता है या समझाता है या नहीं? बाकी बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए ये जो पीछे जब पूरा शॉर्ट के एंड में जब हम बोलते हैं ना लोगों को, जब हम झगड़ा करके दिखाते हैं फिर बाद में लोग आते हैं, हम उनसे बोलते हैं हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्यार देखना चाहते हैं, तो ये चीज लोग शॉर्ट्स के एंड की चीज काट कर आगे वाला अधूरा शॉर्ट आगे डाल के दिखाते हैं। हाँ भाई, कैसा खड़ा आप? क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? खड़ा कैसे आप? ऐसे ही खड़ा हूँ, क्या हुआ? इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि सड़क पर बहस करते लोगों के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। वीडियो में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड है। अबे भाई जा जा यहाँ से, अभी यार फोन कर दिया ना, 10 बुला दूंगा यहाँ पर। बुलाइए भाई, देखना जरा, परेशान कर रही है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। अभी बुला रहा हूँ, अभी बुलाता हूँ। बुला कैसा बुला? दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आग लगने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है। तस्वीर में बिल्डिंग से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती दिखाई दे रहे हैं। इसके ठीक ऊपर काले धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। फोटो के साथ दावा हो रहा है कि इस महीने बुर्ज खलीफा में यह भयंकर आग लगी। क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई, आप देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में इमारत के एक हिस्से से आग की भयंकर लपटें निकलती नजर आ रही हैं। इसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में आग लग गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग इमारत की 100वीं मंजिल पर लगी है। दमकल कर्मी मौके पर है और आग बुझाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। दरअसल दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में आग लगने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में बिल्डिंग से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके ठीक ऊपर काले धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। फोटो के साथ दावा हो रहा है कि इसी महीने बुर्ज खलीफा में ये आग लगी। वायरल दावे की सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा इतनी भयानक आग में घिरा होता तो ये खबर हर आधिकारिक मीडिया आउटलेट पे सुर्खियों में होती, लेकिन ये खबर कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो फिर ऐसे में हमने वायरल तस्वीर को गौर से देखा और इस दौरान ये सामने आया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके बगल वाली बिल्डिंग में केवल दो डायमेंशंस है, यानी बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा गायब है। इससे हमें तस्वीर के दावे पर शक हुआ।
इसके अलावा तस्वीर के नीचे वाले हिस्से को देखने पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए उसे ऐसे एंगल पे खींचना लगभग असंभव है कि उसके आसपास मौजूद पेड़ भी इस तरह से तस्वीर में दिखाई देने लगे। ऐसे में हमने वायरल तस्वीर को सवालों की कसौटी पे कसा। तो पहला सवाल, वायरल तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? दूसरा सवाल, कहीं तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? आइए देखते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम ने क्या पाया। क्या बुर्ज खलीफा में आग लग गई है? गूगल पर अलग अलग भाषाओं में कीवर्ड सर्च करने पर हमें कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें आज या हाल फिलहाल में बुर्ज खलीफा में आग लगने की बात लिखी गई हो। अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में आग लगी होती तो जरूर कहीं ना कहीं रिपोर्ट छपी होती, उसका वीडियो भी सामने आता, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी देखने को नहीं मिला। यही इस दावे पर शक करने के लिए काफी है। हालांकि इसके बाद हमने एक्स पर कुछ कीवर्ड सर्च किए, जहां हमें यूएई के सरकारी मीडिया संस्थान दुबई मीडिया हाउस में काम करने वाले पत्रकार मोहम्मद अल बिन का 5 अप्रैल 2024 को किया गया एक ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने बुर्ज खलीफा में आग लगने की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं, यहां बुर्ज खलीफा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये तस्वीर केवल कुछ एशियाई देशों में वायरल है, क्योंकि दुनिया के इन हिस्सों में अधिकांश लोग क्रॉस चेक या वेरीफाई में विश्वास नहीं करते। इससे ये तो स्पष्ट है कि बुर्ज खलीफा में आग लगने की बात अफवाह है। इसके बाद हमने वायरल तस्वीर के बारे में पता लगाने की कोशिश की। अगर तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो उसमें जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके बगल वाली बिल्डिंग केवल दो डायमेंशन है, यानी बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा गायब है। इससे हमें तस्वीर के AI जनरेटेड होने का शक हुआ। जब इसके बारे में पड़ताल की तो हमारा शक सही साबित हुआ। कैसे? अब इसे समझिए। अगर आप तस्वीर के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए उसे ऐसे एंगल पर खींचना लगभग असंभव है कि उसके आसपास मौजूद पेड़ भी इस तरह से आ जाए। इसके अलावा बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो हवा की दिशा के कारण सारा धुआं लेफ्ट साइड में बह रहा है। ऐसे में राइट साइड में यानी हवा की विपरीत दिशा में इतना बड़ा धुआं बनना संभव नहीं है। कुल मिलाकर बुर्ज खलीफा पर लगी आग की बात अफवाह है। आग लगी हुई वायरल तस्वीर AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।